ना बोल, कैंटीन जाना है या फिल्म? I'm sorry. It's okay. Sorry. It's okay. Sorry. It's okay. सुनिए मैडम, आज गुरुवार है ना, ओम साई राम. I mean really sorry. अबे क्या कर रहा है तू? सारी बुक्स उठा ली. अरे बस करना यार, आई एम वेरी सॉरी. एक्सक्यूज मी. मीरा, आप पूरी लाइब्रेरी लेकर जा रही हो क्या? हाय, आई एम कृष्णा. हेल्प करूं क्या? सॉरी, वो आदत नहीं है ना. दीजिए. फर्स्ट फ्लोर? फिफ्थ फ्लोर. प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, एक काम कीजिए ना, चलते चलते ये जो पहली बुक है ना, उसके दो पेज पढ़ लीजिए ना, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आपको बुक्स पढ़ने की आदत है? बुक्स की आदत? आपको कौन सा राइटर पसंद है बताइए. मुझे चलन जी, श्रीश्री की कविताएं, एमसी जी की कहानियां, इनफैक्ट विश्वनाथ सत्यनारायण जी की बुक्स मैंने 100 बार पढ़ी हैं। आपने जेके रॉलिंग की बुक पढ़ी है क्या? अरे वही बंदा जिसके बेटे ने हैरी पॉटर लिखी थी ना. जेके रॉलिंग लड़का नहीं, लड़की है. मैंने लास्ट टाइम जो 6 बार बुक पढ़ी थी ना, उसमें आपका आर्टिकल बहुत अच्छा था, वही सेक्स वर्कर वाला आर्टिकल. मैंने लिखा था इसलिए पढ़ा था, या टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा इसलिए तुमने पढ़ा था? आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सोचने का भी टाइम नहीं देती. इतनी ऊपर से कॉलेज पहली बार देख रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है. वैसे आपको यहाँ पर क्या काम है? क्लासेस तो खत्म हो गई हैं. तेलुगु स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए उन्हें वॉलंटियरली हिंदी क्लासेस देती हूँ. माइंड ब्लोइंग! इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी क्लासेस, व्हाट अ सोशल सर्विस. हाँ, जहाँ तक मुझे पता है क्लास फुल हो गया है ना. हे, हाउसफुल, इतने लोग कहाँ से आ गए? ए अंकल, पीछे धक्का मत दीजिए. इतने लोगों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता होगा ना, इसीलिए शायद आपने वहाँ बॉडीगार्ड बिठाया ना. सॉरी सॉरी, यू कैन डू. कृष्णा, वहाँ तुम क्या कर रहे हो? वो ठंड लग रही है ना, इसलिए. वैसे इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? लास्ट मंथ एक सेक्स वर्कर पर आर्टिकल लिखा था ना. हाँ. वो प्रेग्नेंट है, उसका घर भूल गई हूँ. उसका घर यही तो है. हाँ? तुम्हें कैसे पता? अंदर से आवाज जो आ रही है. हाँ? ओह, विजय, विजय कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल चलते हैं. कृष्णा. नहीं नहीं, मुझे डर लगता है. कुछ नहीं होगा. कृष्णा, गाड़ी स्टार्ट करो. इसे कहो ना चिल्लाना बंद करे. कृष्णा. गर्भवती, गर्भवती स्त्री. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, कार में. सर, इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए. आप उनके हस्बैंड? नहीं, मैं हस्बैंड नहीं हूँ. ओके, गार्जियन पे साइन कर दीजिए. हाँ, ऐसा बोलो ना, कृष्णा इज द गार्डियन. सुनो, एबी पॉजिटिव ब्लड चाहिए था, मिल गया ना? सब जगह ढूंढ रहे हैं सर, कहीं नहीं मिल रहा है. देखो, इट्स वेरी अर्जेंट, मेक इट फास्ट. ओके सर. डॉक्टर, कृष्णा, हॉस्पिटल में सिगरेट पी रहे हो? ओ सॉरी, ऑपरेशन हो गया? हाँ, बीटी हुई है. ओ सुपर्ब. बीबी को देखोगे? नहीं, मैं क्या करूंगा. अरे तुम चलो ना.
पहले तुम हैंड वॉश करो, सिगरेट की स्मेल आ रही है। ठीक है चलो। अरे थैंक्स दीदी, थैंक्स मुझे मत बोलो, कृष्णा को बोलो, उसी की वजह से हम यहाँ सही वक्त पर पहुंच पाए। अरे कोई नहीं जी, बच्ची बहुत सुंदर है आपकी। आज अगर ये जिंदा है तो इसकी वजह ये दीदी है। कल जब ये दुनिया मुझसे पूछेगी कि इसका बाप कौन है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए डर कर जब ये पेट में थी तभी अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन दीदी ने मुझे हिम्मत दी। इन्होंने कहा अगर तुम्हें कोई सहारा चाहिए तो इस बच्ची का जिंदा रहना जरूरी है। इस बच्ची का जन्म वासना की वजह से हुआ है या प्यार से हुआ है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करके पालूंगी। सर बहुत डीपली सोच रहे हैं। अरे कुछ नहीं, मैं बस वो बच्ची के बारे में थोड़ा सोच रहा था। चिंता मत करो, उन दोनों के लिए हम जितना कर सकते थे हमने किया, अब आगे बच्ची का भगवान ख्याल रखेगा। तो भगवान को विजया का भी ख्याल रखना चाहिए था ना। ब्लड डोनेट किया है तुमने? हाँ। नाइस, आई एम हैप्पी दैट यू आर कंसर्न्ड। कॉलेज में झगड़ा करके सस्पेंड होने वाला कृष्णा इतना सब करेगा, ये देख के मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। नाइस, तुम्हारे अंदर मुझे एक नया कृष्णा नजर आ रहा है। हाँ? या अपने अंदर के उस इंसान को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो कृष्णा, और वो जैसा है वैसा बनने की कोशिश करो। मतलब ये थोड़ा सीरियस टॉपिक तो है, पर ट्राई करेंगे। कहाँ है वो? और फोन? ये नहीं बदलेगा। यस। अब क्या हुआ यार? ये मेरा फोन कहाँ गया? नहीं यार। लगता है तेरे लिए कोई खास कॉल आया है। अगर फोन साइड में रखे तो चेयर्स करें। ए, ये ग्लास मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने पीना छोड़ दिया यार। पर्सनल कॉल, 2 मिनट। हाय मीरा। हाय, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, मेरे अंदर के दूसरे इंसान को एक्सप्लोर कर रहा था। ओहो। वैसे मीरा, जब तुम्हारे साथ आया तो मैंने अपने अंदर के दूसरे इंसान को देखा, अब तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे अंदर की दूसरी मीरा दिखाऊंगा। वो कब? अभी। अभी? चांस ही नहीं है, नो वे। Where there is a will, there is a balcony, मीरा। बालकनी? 10 मिनट में तुम्हारी बालकनी के नीचे आ जाऊंगा, तुम नीचे आ जाना। हे सुनो। अब देखना जरूर आएगा। पता ना। हे गाइस, मुझे एक जरूरी काम आ गया, मुझे जाना होगा। यू कंटिन्यू, एंजॉय। अबे कार की चाबी तो तेरे पास है ना? टेंशन मत ले यार, अंडरवियर में छुपा के रखा हूँ। हाँ। बेअकल इंसान कहीं के। ची। हे पांडे। मीनाक्षी, मीनाक्षी। स्कूटर की चाबी देना। मीनू। छोड़ो। क्या हो रहा है तुम्हें? मीनू, मीनू। पांडे, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ, क्या है? सुनना, बालकनी में। बालकनी में?
क्या तुम पागल हो गए हो? मैं नहीं आऊंगी। लेकिन उस दिन तो तुम आई थी। वो अलग बात थी, अलग है। वैसे भी उस वक्त पापा घर पे नहीं थे, इस वक्त हैं। ओ, देखो अगर तुम नहीं आई तो मैं हॉर्न बजाऊंगा। बजाऊं क्या? ए, रुको। हाँ, तो फिर नीचे आओ जल्दी। कैसे आऊं? मेन डोर लॉक है अंदर से। वेयर देयर इज अ बालकनी, वहां सीढ़ी भी होती है डियर। ए, सामने देकर चलाओ। ए, ध्यान से, तुम हॉर्न बजाओ ना। अरे वो हॉर्न नहीं है ना। तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैड फेलो, बहुत टेंशन हो रही है। अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? फॉलो मी। हाँ? उतरो। क्या कर रहे हो कृष्णा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उस दिन जाते वक्त तुमसे कुछ पूछा था क्या? हेल्प की थी ना? अब तुम मुझसे मत पूछो। चलो ये पहन लो, चलो। कहाँ? चलो चलो। आजा आजा। क्या है? आओ ना। ये देखो। ये बदमाश कहीं का, पता है कितना इरिटेट करता है। दम तो इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन आईब्रो को यूं यूं हिलाता रहता है। कैसे कैसे? निकाल देते हैं। गम और टेप। ये क्या कर रहे हो कृष्णा? खींचो टेप को, खींचो। एक्सप्लोर योर सेल्फ, कम ऑन। आई लव यू डार्लिंग। मम्मा क्या हुआ? ये आईब्रो क्यों साफ की? नया फैशन है क्या? मजा आया ना? हाँ। भैया दो मसाला टी और एक सिगरेट। हम्म, सिगरेट कैंसल। ये चीयर्स। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली? मैं, पापा और दादू, बस। और तुम्हारी माँ? याद नहीं है, बचपन में ही चली गई। I'm sorry. तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक जमाने में सरपंच थे, अब कुछ भी नहीं करते। लेकिन मेरे दादू की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो उस जमाने में फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। फ्रीडम फाइटर? वाओ। मैक्सिमम सब लोगों का यही रिएक्शन होता है। मेरे दादू बहुत गुस्से वाले हैं। बताता हूँ। स्वतंत्रता के वक्त दादू इडली खाने के लिए एक होटल में गए। चार इडली और दो बकेट चटनी चाटने के लिए मंगाई। उसके बाद वेटर को कहा थोड़ी चटनी और ला दो। वेटर भड़क गया। उसने कहा तुम इडली से चटनी खा रहे हो या चटनी से इडली खा रहे हो, बताओ। बस दादू को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी प्लेट उठाई और उसके सिर पर दे मारी। तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उस झगड़े को रोकने की कोशिश की। अरे भाई रुको। दादू ने दूसरी प्लेट उठाई और उसके सिर पर दे मारी। दादू ने कहा तुझे इडली और चटनी के बारे में क्या पता? इडली के साथ जितनी चटनी चाहिए उतनी चटनी खाने की स्वतंत्रता है। बस उसी दिन से मेरे दादू फ्रीडम फाइटर बन गए। उस दिन से दादू को पेंशन भी आती है, ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है, पापा सरपंच भी बन गए, और तब से हमारे ऐश ही ऐश चलते हैं। और ये सब इडली की वजह से हुआ। इडली चटनी। हाँ। वैसे तुम्हारी फैमिली क्या करती है? तुम्हारी तरह पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है, बस हमारी सिंपल सी फैमिली है। मम्मी, पापा और मैं। पापा पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, घर पर भी ड्यूटी पर भी। अच्छा, हाँ भाई ऐसे बहुत देखे स्ट्रिक्ट पुलिस वाले। वैसे तुम्हारे डैड ने कितना कमाया? कृष्णा वो मेरे पापा हैं। ओह, सो सैड। और माँ? पापा जो कहते हैं वो करती हैं। इतनी स्ट्रिक्ट फैमिली में एंटरटेनमेंट तो नहीं होता होगा ना? इसीलिए गुस्सा आए या खुशी हो, दुख में मैं चर्च जाती हूँ। ओह अच्छा, तो चलो चर्च चलते हैं आज। अभी? हाँ अभी चलो।
वाह, नाइस चर्च। ऊपर और भी सुंदर है, चले? अच्छा, चलो फिर। आ जाओ। इतनी बड़ी बेल, बजाऊं क्या? कृष्णा, बजा देता हूं ना यार। कृष्णा, डोंट बी किडिश। ठीक है, ऐसे बजाओ कि सिर्फ मुझे ही सुनाई दे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सोच भी बदल जाती है। अरे, अब हम बड़े हो गए हैं और अब हम बच्चे नहीं रहे। मैच्योर्ड बिहेव करना पड़ेगा और ऐसे हम खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है कृष्णा, कि तुम अपने आप को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। तुम सच में बहुत अलग हो। You're a kid at heart. दिल में रहती हूँ तेरे, हर पल हूँ तेरे साथ। जीना सकूंगी बिन तेरे राधा, मैं तू कृष्णा, तुम ही हो मेरा प्यार, तुमसे ही मेरे दिन रात। जिंदगी तेरे नाम कर दे, हर लम्हे में तू साथिया। दिल मीरा, हाँ? मेरी शर्ट। अब ये तुम्हारी नहीं, मेरी है। नहीं दूंगी। क्या कर लोगे? रात आपके रूम में, ठीक है ना? ठीक है भाई। हे, रुक जाओ। देख लिया तूने? अगर ये लोग चाहें तो इसी वक्त तुझे खत्म कर सकते हैं। होली में डांस करके तू ज्यादा स्मार्ट मत बन। मुझे मेरे घर आके मारा इसने। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सीनियर पर हाथ उठाया? हाँ, ऐसे देख क्या रहा है? सर, आप लोग सिर्फ एक महीने के लिए कॉलेज में रहेंगे, लेकिन मैं अगले 3 साल के लिए। सर्टिफिकेट के लिए और बैकलॉग के लिए आपको बार बार कॉलेज में आना पड़ेगा। एक बार ठीक से सोच लीजिए, क्योंकि उस वक्त कॉलेज के अंदर मैं रहूंगा। कृष्णा,
कृष्णा 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 क्या हुआ कृष्णा 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 क्या हुआ यार क्या हुआ क्या हुआ बता कृष्णा अरे हे कृष्णा तुम लोग सिर्फ एक महीने के लिए कॉलेज में रहोगे मीरा हाय मीरा हाय ए हे कृष्णा आई कॉल यू बैक मेरी डायरी दो ना आज क्या लिख रही है कोई काम का आर्टिकल है या कृष्णा पर आर्टिकल लिख रही हो मेरी डायरी दो ना प्लीज पहले ये बताओ किस पे लिख रही हो तुम सच बोलो कृष्णा पे लिख रही हो ना दो ना कृष्णा हमसे बहुत छोटा है तो क्या हुआ एज डजंट मैटर फॉर लव एक बार नेट पे सर्च करके देख सारे सक्सेसफुल एग्जांपल्स मिल जाएंगे हे सरप्राइज टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है मीरा कृष्णा के बारे में तुम क्या सोचती हो प्लीज यार अगर सच को बाहर लाना है तो इसे गटकना होगा ड्रिंक हाँ पापा ने हॉस्टल भेजा है यही बहुत बड़ी बात है ऊपर से ये ड्रिंक मैंने कभी नहीं पी हाँ कभी भी नहीं पी है अब देख नो 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 सर नहीं रुको अरे ओके 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 होल्ड दिस माइक हाँ अब क्या कहूँ कृष्णा के बारे में बोल दो डू यू लाइक हिम ऑफ कोर्स ही इज नाइस नाइस बस इतना ही हर किसी को हर किसी सिचुएशन में कृष्णा बहुत खुश रखता है ही इज अमेजिंग बहुत हुआ प्ले सम म्यूजिक यार ये